हेलो भाई, कैसे हो आप सभी? होपफुली बहुत बढ़िया होंगे। और स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में, जिसमें हम एक मास्टर गाइडेंस की तरह आपको बताएंगे कि कैसे आप आने वाले 30 दिन के अंदर, मतलब क्योंकि अगले महीने की 29 तारीख को तो हमारा हरियाणा जेबीटी का पेपर है, तो उसकी प्रिपरेशन इस तरीके से कर सकते हो कि 1 महीने के अंदर अंदर आपका सिलेक्शन हो जाए। अब जब इतनी बात करते हैं तो तुरंत आपके मन में आएगा कि सर क्या गारंटी कि पेपर 1 महीने में होगा। तो दूसरी चीज ये कि भाई सिलेक्शन लेना है तो क्या गारंटी पेपर नहीं होगा। बर्डन गवर्नमेंट के ऊपर है कि भाई इलेक्शन से पहले पहले भागा दौड़ी में पेपर करवा देंगे, एक चीज। दूसरा, फिर इस चीज की क्या गारंटी कि आने वाली गवर्नमेंट, बीजेपी या जो भी आने वाली गवर्नमेंट होगी, वो इस भर्ती को पूरा कराएगी। देखो भाई, हम तो अपनी साइड से पॉजिटिव एस्पेक्ट ये लेके चलते हैं कि भाई जो गवर्नमेंट आएगी उसको अपने आप को बढ़िया साबित करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो किसी से लड़के या अपनी इमेज बचा के दोबारा सरकार में आएगी, तो वो क्या करेगी, सबसे पहले तो कि भी देखो हमने भर्ती पूरी कराई, आते वो पहले इस काम को पूरा करेगी, मतलब ऐसे होने के चांसेस हैं। और दूसरा, अगर जिसको मेहनत नहीं करनी वो ये सोच के बैठे रहो कि भाई वैकेंसी आ गई छोड़ दो ना, मैं तो डीएसएस भी, वहां कौन जाएगा। जिसको तैयारी नहीं करनी वो 10 तरीके के एक्सक्यूज बनाएगा। और मेरी बात ना एक अभी वीडियो के स्टार्टिंग में याद रखना, रिग्रेट हर्ट्स मोर देन फेलियर। मेहनत करके फेल हो जाओ कोई दुख नहीं होगा कभी भी, पर ना मेहनत करोगे ना और फिर बाद में पीछे मुड़ के देखोगे भाई ये क्या गलती करते, तो ये सबसे ज्यादा पेनफुल होता है। तो अब इस वीडियो में हम क्या क्या बातें करने वाले हैं वो आपको एक बार मैं पॉइंट वाइज बता दूं। सबसे पहले तो भाई देखो, 40-45 हज़ार आपकी सैलरी होगी, इससे ऊपर वो क्या चाहिए जीवन में। काम करने का कोई ज्यादा बर्डन है नहीं, जैसे हम केवीएस या और चीजों के बारे में बात करते हैं, सेंटर ऑफ अपनी दिल्ली है तो वहां पे काम ज्यादा रहता है। इस तरीके की बात मेवात में थोड़ी सी कंपेरेटिवली, क्योंकि देखो एक्सपीरियंस ही बता रहा हूँ मैं तो लोगों के, मैं कोई पर्सनल थोड़ी वहां काम करता हूँ, लेकिन जो मुझे पता चला कि भी काम का बर्डन भी ज्यादा नहीं है, सैलरी बढ़िया 40-45 हज़ार। उसके बाद अब तैयारी कैसे करनी, टाइम टेबल, सब्जेक्ट वाइज सोर्सेज बताऊंगा आपको कि मैथ्स कहाँ से करो, सीडीपी कहाँ से, हरियाणा जी के 20 नंबर कहाँ से करो, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करो, और सब्जेक्ट वाइज आपके मार्क्स का टारगेट क्या होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी चीज, ये वाली चीज। और फिर उसके बाद मॉक टेस्ट कब दें, कहाँ से दें, कितना हमारा अप्रोक्स स्कोर होगी, हम अपनी तरफ से 1 महीने में अपने आप को ये मानने की भी, चलो 1 महीने की बात है और ठीक ठाक मेहनत होगी हमारी। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाई वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर आप लोग नए हो। भाई 70% लोग ऐसे हैं जो रेगुलर वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, पता नहीं क्या ही सिस्टम है आप लोगों का। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट्स जरूर करना, इससे क्या होगा यूट्यूब इसको फिर और ज्यादा रिकमेंड करता है। ठीक है जी, अगर जो बच्चा आज से भी सीरियस होकर तैयारी शुरू कर रहा है, सबसे पहले आपका होना चाहिए मॉक टेस्ट, आपको पता चलेगा कितने मार्क्स आ रहे हैं। उसके बाद होना चाहिए आपका सिलेबस, देखो एक बार अच्छे से कि कहाँ कहाँ कमी रह रही है, कौन कौन सा सब्जेक्ट आपका गड़बड़ चल रहा है, समझ गए मेरी चीज। थर्ड आएगा फिर से मॉक टेस्ट, क्योंकि पहला मॉक टेस्ट था आपको आप अपने आप को सिलेबस को एक बार फेमिलियर होने के लिए, किस तरीके की चीजें पूछी जा रही है, आपकी प्रीवियस नॉलेज जानने के लिए। लेकिन ये बड़ा मॉक टेस्ट है कि जो आपने सिलेबस कवर कर लिया ना उसको जानने के लिए। और लास्ट स्टेप होगा फिर आपका जो मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे, जो आप रैंडम इधर उधर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे और फिर मॉक टेस्ट के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाओगे ना, तो वो आपका लास्ट स्टेप होगा। अब आ जाओ भाई 40 दिन की एक, 40 दिन तो अब नहीं रहा ना, कि 30 दिन की एक मास्टर्स गाइडेंस वीडियो होने वाली है आपकी। अब इसमें क्या करें, सबसे पहले जब मैंने बात कही अभी जाते ही मॉक टेस्ट की बात, जब मैं सबसे पहले स्टेप पे कर रहा हूँ, तो मॉक टेस्ट कहाँ से करें। देखो भाई आपके सामने मैंने भी दिए हैं, हाँ मैं ऑलरेडी 2 मॉक टेस्ट दे चुका हूँ, पर मैं आप लोगों को अपना स्कोर भाई स्क्रीन पे दिखा ही दूंगा मैं आपको कितना स्कोर रहा है। और ये ऑनेस्टी है, कहीं से दाएं बाएं से चीटिंग वीटिंग मार के नहीं किया है। तो सुनो, मॉक टेस्ट पहले, फुल मॉक टेस्ट सबसे पहले तो आप ट्राई कर सकते हो टेस्ट बुक ऐप से, वहां पर आपको 5 फुल बढ़िया मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, 40+ सब्जेक्ट टेस्ट हो जाएंगे और 150 मतलब 105 मतलब 100+ आपके चैप्टर टेस्ट हो जाएंगे, मतलब टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं। और अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर हरियाणा जी के, हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी, इनकी प्रैक्टिस करनी है, तो आपको ऐसे 40+ सब्जेक्ट टेस्ट मिल जाएंगे, समझ गए मेरी चीज। या इसके अलावा एक अनुराठी मैम है, अनुराठी एनबीए करके उनका यूट्यूब चैनल है, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे ना तो वहां पे आपको लिंक्स मिल जाएंगे कि आप टेस्ट, उनकी टेस्ट सीरीज तक कैसे पहुंच सकते हो, वो मिल जाएगा वहां से। या फिर उनकी ऐप डाउनलोड कर लो नोटबुक अकेडमी करके, वहां पे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। और ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये वो चीजें जो मैं कर रहा हूँ, छोटी छोटी रैंडम चीजें, समझ गए। और मैं जो बातें बता रहा हूँ भाई मैं कर रहा हूँ वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है जी। मैं ऐसे ही कोई हवाबाजी की वीडियो नहीं दिखा रहा हूँ, तो कुछ टाइम लगा मुझे चीजें सर्च आउट करने में, तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा 1-2 दिन लेट ये वीडियो मिल रही है, तो ध्यान से सुनना और बहुत हेल्पफुल होगा। ये अगर टेस्ट सीरीज आपका, मतलब मॉक टेस्ट वगैरह कैसे कर सकता हूँ। अब अगला
स्टेप आता है भाई सिलेबस कंप्लीट करना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं सर जो हम टेट लेवल एग्जाम तक की तैयारी के साथ नहीं कर सकते, ठीक है। तो सब अब आते हैं सब्जेक्ट वाइज, क्या आपका टारगेट रहेगा, इतने मार्क्स मुझे लेके आने हैं, और किस तरह से आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। तो सबसे पहले आता है सीडीपी। अब एक मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ भाई, 95 मार्क्स का 100 क्वेश्चन आएंगे, 95 मार्क्स के होंगे, एक क्वेश्चन 0.95 का होगा, ना अटेम्प्ट करने पे एक क्वेश्चन की नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। मैं आप एक कन्वीनियंस के लिए ऐसा मानता हूं कि एक क्वेश्चन एक नंबर का है, ठीक है, ताकि आप लोगों को मैं इजिली बता सकूं कि 20 में से कितने, 10 में से कितने, इस तरीके से। तो ये पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूं। तो अब आओ सीडीपी, मान लो ये 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, 19 नंबर के क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चन आ रहे हैं टोटल आपके और मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो सोर्सेज क्या क्या पढ़ा सकते हो, पहले तो एक बार आप सिलेबस देखो। देखो मैंने यहाँ ना चिपका रखा है सिलेबस, आप फोटो देखना, यहाँ साइड में अपने बेड के साइड में सिलेबस चिपका रखा बकायदा, और उसके साइड में लिख रखा कि मैं कितना टारगेट करके चल रहा हूँ सीडीपी में, मैं मैथ्स में कितना टारगेट करके चल रहा हूँ, ये छोटी छोटी चीजें। अब आगे चलना, सोर्स क्या हो, अगर आप डीएसएसबी या केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे 90% बच्चे ऐसे मिलेंगे जो डीएसएसबी या केवीएस की ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, समझ गए मेरी चीज, तो वो अपना उनकी तैयारी करते रहो। बस एक बार सिलेबस में देखना कुछ एक टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जैसे पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की, आपकी इंटेलिजेंस वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्सनैलिटी वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लर्निंग थ्योरी, क्लासिकल ऑपरेंट कंडीशनिंग, थोरनडाइक वाली थ्योरीज, और उसके अलावा इनसाइट थ्योरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा टीचर सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड, एजुकेशन मतलब क्लास सेंटर्ड, इस टाइप की जो आपकी थ्योरीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस इंक्लूसिव एजुकेशन और डिसेबिलिटी से रिलेटेड जितने हमारे पहले एक्ट्स पास हुए हैं जो आए हैं, RPWD एक्ट हुआ, या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 हुआ, ये जितने भी आए हैं, तो ये एक बार अच्छे से करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 20 नंबर में अगर आप बढ़िया कर लोगे तो आपके 20 में से 20 आने कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, और ये छोटे छोटे एक एक नंबर आता था, नंबर हमारा सिलेक्शन करा के जाएगा, मेरी बात याद रखना आप। ये हो गया सर हमारा, अब इसके बाद सर क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें, सुनो भी मेरी बात। देखो अगर आप डीएसएसबी एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, तो वहां पे सिलेबस इतना वास्ट है, आप इन पर्टिकुलर टॉपिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। आप टेक्स्ट बुक पे जाना, वहां स्पेसिफिक इन टॉपिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, समझ गए। उसके अलावा सीटेट में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, एचटेट प्रीवियस जितने भी आए हैं ना सारे प्रैक्टिस कर दो, टेक्स्ट बुक पे सारे अवेलेबल हैं, छोड़ो मत स्पेशल पेडागोजी वाले पार्ट का। टेट लेवल एग्जाम में लगभग में यही सारे टॉपिक्स आते हैं, तो उनको छोड़ो ही मत, सीडीपी के लिए तो टेट लेवल के जितने भी एग्जाम है प्रायोरिटी पे रखना अपना एचटेट, तो बेस्ट आपके लिए, कहीं नहीं गए 20 में से 20 नंबर। बस सिलेबस जब कवर करो तो ये कुछ एक जो मैंने टॉपिक्स के नाम बताए हैं इनको आप प्रायोरिटी पे जरूर रखना, और अपना टारगेट रख के चलना भाई। अगर मान लो 20 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो 18 से 18 क्वेश्चन मिनिमम आपके ठीक हो बिल्कुल, और 20 में से 20 क्वेश्चन ठीक हो जाएगा भाई, बल्ले बल्ले है, बेस्ट। हम सबके लिए सबसे ज्यादा दिक्कत देने वाला सब्जेक्ट है वो है हरियाणा जीके। हरियाणा जीके के लिए क्या दिक्कत आ रही है भाई, हम लोग वो हैं जो DSSB, KVS, UP TET, राजस्थान के लिए, इनके लिए प्रिपेयर करते हैं, हरियाणा जीके एकदम हमारे लिए इंट्रोड्यूस होगा, वो भी 20 नंबर का। 20 नंबर एक पेपर में पास फेल करने का गैप डालने के लिए बहुत एनफ है, एनफ है। तो इसको छोड़ के जाने की हिम्मत हमारे अंदर नहीं है, और याद करने का टाइम नहीं है कि भाई मैं इसको इतना याद कर ले कि 20 में 20 आ जाए CDP की तरह। तो इसके लिए सोर्सेज सुन लेना ध्यान से भाई, YouTube पे एक क्लासेज मिलेगी आपको, DSL क्लास जीन, DSL क्लासेज जीन, बढ़िया मैराथन मिलेंगे इनकी, 2-2 घंटे की मैराथन है और 11-11 घंटे की भी मैराथन है। तो आप ऐसा कर सकते हो, एक बार 2-2 घंटे वाली वीडियो देख लो, एक ही बार में देख लोगे आप 2 घंटे की, एक बार में थोड़ा गैप लेंगे, शाम को फिर 2 घंटे वाली देख लेना। इससे आपका क्या होगा, आपका एक बेसिक सा मतलब आप एक तरह से इंट्रोड्यूस हो जाओगे चीजों से कि भाई सुल्तानपुर झील वो वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, समझ गए, या हमारे और राखीगढ़ी कहाँ पे है, बनवाली कहाँ पे है, ये सारी चीजों से आप इंट्रोड्यूस हो जाओगे। अपने यहाँ पे सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है, सबसे नीचे ग्राउंड लेवल की जमीन कौन सी है, तो ये सारी चीजें अनकाई, तो ये सारी चीजों से आप इंट्रोड्यूस हो जाओगे। मैंने भी 1-2 दिन में पढ़ी है सारी चीजें। तो इसके अलावा दूसरी है हरियाणा जी के भाई दीवान सर, वो भी बढ़िया पढ़ाते हैं, इनकी भी मैराथन मिल जाएगी आपको। लेकिन अगर आपका मन है सर मुझे तो ना 40-40 मिनट की, 38-38, 35 मिनट की, 30 मिनट की, इस तरह की वीडियोस देखनी है डेली, अपना दो तीन वीडियोस देख लो सर मैं, तो भाई आपके लिए कंप्लीट हरियाणा जीके क्लास सीरीज है, सीरीज वाइज अचीवर्स अकेडमी भाई निशा मैम बहुत बढ़िया करवा रखी है, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हो गया आपके सोर्सेज,
बुक ले सकते हो आप, एकलव्य करके के उसकी पब्लिशर की बुक मिलेगी आपको, बढ़िया मिल जाती है। उसके अलावा मैंने एक मंगा रखी है रेडियंस करके पब्लिशर की बुक है, तो उसमें लगभग 1500 से 1500 के आसपास क्वेश्चंस भी हैं जो आपके प्रैक्टिस करने के लिए हेल्पफुल हो जाएंगे। इसके अलावा डायरेक्ट हरियाणा जीके फॉर सीईटी, हरियाणा जीके फॉर एचएसएससी, जेबीटी करके सर्च करोगे यूट्यूब पे तो आपकी हरियाणा जीके वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है जी, ये हरियाणा जीके, इसमें आप 15 नंबर का टारगेट मान के चलना कम ज्यादा से मैथ कम। कम मैथ में भी बहुत बच्चों को दिक्कत आएगी। सर मैथ किस लेवल का पूछा जाएगा? क्या हम बिल्कुल एसएससी लेवल की तैयारी करें? क्या हम टीएसएसबी लेवल की तैयारी करें? फिर केवीएस की तरह 5th तक का करके और अपना लोट मारें? क्या कर सकते हैं भाई? मैथ आएगा इसमें ठीक ठाक लेवल का। ठीक ठाक मतलब ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे कि आप देखते हो ये क्या आ गया केवीएस लेवल का, और ऐसे भी आएंगे कि भाई ये टीएसएसबी में भी नहीं पूछा जाता। मीन मोड मीडियन, मीन और मोड दे दिया मीडियन निकालना है, मीन और मीडियन दे दिया मोड निकालना है, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, समझ गए? तो ये क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे? इसके अलावा और भी बता रहा हूँ, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये टॉपिक्स अच्छे से कर लेना। डीएसएसबी के मैथ्स के लिए जहां से तैयारी करते थे वो तो बेसिक लेवल करना ही करना, ये हो गया। प्रैक्टिस जहां से करते थे वो भी करते रहो, तो ये आपका मैथ्स का लेवल आएगा। मतलब समझ गया, कुछ टॉपिक्स होंगे जो आपके डीएसएसबी लेवल से बाहर के आ जाएंगे। मीन मोड मीडियन जनरली डीएसएसबी में नहीं पूछता हूँ, लेकिन यहाँ पूछ लेगा। और ये स्टेटिस मतलब लास्ट वाले टॉपिक्स होते हैं 9th 10th में, कि अगर आप कर लोगे ना तो आपका भला हो जाएगा। बाकी आप एक बार ये रिलेशन जरूर सर्च करना इंटरनेट पे, रिलेशन बिटवीन मीन मोड एंड मीडियन, जब इनमें से दो आइडेंटिटी आपको क्वांटिटी दी हो तो आप तीसरी यूनिट कैसे निकालो? रीजनिंग रीजनिंग आपकी वहीं से तैयार हो जाएगी, जो मैथ्स कर रहे हैं, जो डीएसएसबी के लिए तैयार कर रहे थे वहीं से आपकी रीजनिंग धीरे धीरे तैयार होती चली जाएगी, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। मैथ्स में भी आप आराम से अगर 20 नंबर का 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 20 में से 18 तो कम से कम लेके आना, और आ जाएंगे भाई, मुश्किल नहीं है। मैं आपको देख, मैं ये नहीं कह सकता अभी तो कि भी 50 नंबर ले और सिलेक्शन हो जाएगा, मैं तो आपको वो चीजें बता सकता हूँ क्योंकि इतने नंबर आप लेके आ सकते हो अगर तैयारी करोगे बढ़िया वाली। तो 18 नंबर का इसमें भी टारगेट लेके चलना कम से कम, और 20 नंबर आ ज्यादा जाए नहीं पड़ते ईवीएस बल्ले भाई। ईवीएस में भाई जितने, केवल एक ही सुझाव है, जितने टेट लेवल के एग्जाम है सारे प्रैक्टिस कर दो ईवीएस वाला सेक्शन। मेरे से एक बार टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पे आपको ये सारे पीडीएफ फ्री में अवेलेबल करा दूंगा मैं, ईवीएस वाले स्पेशली, और भी बाकी सब्जेक्ट्स के जो भी पीडीएफ होंगे ना सारे आपको टेलीग्राम पे, आप जुड़ जाओ हमसे, अश्विनी सोरेन केवीएस करके सर्च करोगे आपको मिल जाऊंगा भारी मात्रा में हमारा चैनल, तो वहां पे आपको आराम से सारे पीडीएफ फ्री में अवेलेबल करा दूंगा मैं। ठीक है, अगर फिर भी किसी को और इंस्टाग्राम वगैरह पे जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हो, वहां पे आपके पर्सनल कमेंट्स, पर्सनल आपको गाइडेंस, कुछ हेल्प चाहिए हो तो आप बिल्कुल खुले मन से पूछ सकते हो, बिल्कुल आपके लिए अवेलेबल नहीं है। ईवीएस हो गया भी, नोट्स आपके फ्री में बता दें टेलीग्राम पे, और स्टेट लेवल के एग्जाम पे स्पेशली, स्टेट का लेवल ईवीएस का स्पेशली थोड़ा सा हाई होता है, तो वहां से आप प्रैक्टिस करना, बढ़िया तैयारी हो जाएगी। पी वाई क्यू से ही आराम से आप खींच दोगे 8-9 नंबर। कम से हिंदी कम सबसे इंपॉर्टेंट है, हिंदी में ये बढ़िया वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कौन से टाइप के अव्यय, वाच्य, अलंकार, समास, संधि इनका फेवरेट, समझ गए, क्रिया में अकर्मक सकर्मक ये जरूर पूछते हैं, इनसे थोड़ा सा फंसोगे आप लोग। फिर उसके बाद आता है भाई क्या बोलते हैं, वाक्य कैसा है, आपका वाक्य कैसा है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, या सामान्य एक वाक्य है, तो इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करके जाना। कहां से कर सकते हो? मैंने एक, देखो मैं आपको, मैंने इस एक, ये एक मेरे पास बुक थी भाई, इससे करा है, आप लोग इससे कर सकते हो। इसके अलावा एक मानक हिंदी व्याकरण है, उसमें बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन दे रखी है, लेकिन इसकी गलत बात क्या है कि भाई इसमें आपको संधि नहीं मिलेगी, जो 9th 10th वाली बुक है ना हिंदी व्याकरण 9th 10th क्लास के लिए जो होती है जनरली, उसमें संधि नहीं है, रस और काल इनको और अच्छे से करना। फिर आता भाई लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इंग्लिश, डीएसएसबी में जहाँ से इंग्लिश कर रहे थे वो बढ़िया है, फिर भी अगर आप मतलब सर मेरी तो इंग्लिश बहुत ही ज्यादा वीक है, तो भाई बेसिक एक बार जो आप पढ़ते हो ना कि बेसिक इंग्लिश, मतलब 10 नंबर के सेंटेंस देख लेना बस, कि छोटे छोटे एरर फाइंडिंग वाले, छोटे छोटे सेंटेंस कंप्लीट करने वाले, समझ रहे हो, जिससे आपको एक बार सेंस समझ लगेगा, क्योंकि 1 महीना भी नहीं है आपके पास, तो इसमें अगर आप सेंस समझने लगे ना सेंटेंसेस की, तो आप एरर छाटना, सेंटेंस को कंप्लीट करना, फिल इन द ब्लैंक्स भरना, और थोड़ा बहुत उससे मीनिंग निकालना, ये चीजें अपने आप कर लोगे। तो इसमें बेसिक सबसे पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए, अगर आपकी बिल्कुल ही जीरो इंग्लिश है तो आप सेंस निकालना सीख जाओ, समझ गए, मतलब उसके लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, डायरेक्ट यूट्यूब से करो क्योंकि वहां पे आपको एक्सप्लेनेशन भी देते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी एक्स्ट्रा। ठीक है जी, ये आपकी इंग्लिश हो जाएगी, इसमें भी आप अपना टारगेट लेके चलना भाई, अगर 10 क्वेश्चन है 10 में से 7 क्वेश्चन तो आपके कम से कम ठीक हो। ठीक है जी, अब आ जाते हैं भाई सर कितना हम टारगेट लेके चले इसमें अपना, ठीक है, और कुछ तो नहीं बचा, हाँ जी, इसमें आप टारगेट कितना लेके चले? देखो भाई मैंने 2 बार मॉक टेस्ट दिया अभी तक, एक बार मेरे 72 नंबर बने, एक बार 77 मार्क्स बने हैं,
ठीक है, एक दिया था मैंने टेक्स्ट बुक पे और एक दिया था मैंने ये वो जो बताया था मैंने यार एनबीए करके जो चैनल था यार बता दो था अभी, हाँ मनु राठी एनबीए करके जो चैनल था एक उस पे दिया था, तो थोड़ा सा आप लोग देख सकते हो। और ये मॉक टेस्ट जरूर देना और एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कहाँ आपको दिक्कत आ रही है, आपको तुरंत उसका रिप्लाई मिलेगा। टेलीग्राम चैनल पे आप मेरे पास मैसेज कर देना, आपको सारे नोट्स वोट सारी चीजें फ्री में मिल जाएंगी। तो ऑल द बेस्ट, और भाई वीडियो जरूर शेयर कर देना क्योंकि आप शेयर करते हो तो थोड़ा सा यूट्यूब इसको रिकमेंड करता है और हमारे भी थोड़े से और लोग जुड़ते हैं, हमें भी थोड़ा फायदा होता है आपको। तो ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं, भारत माता की जय, जय श्री राम।